17 जनवरी 2022 साकार मुरली। मीठे बच्चे, प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। प्रश्न: शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? उत्तर: क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को एक सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं, इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गीत: भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहला डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते, जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसे ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, जो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी, बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई तो राजधानी होगी। उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी यह भी समझते हैं कि भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, जीवन बंद कहा जाता है नरक को। यह है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापना होती है। एक जनक की बात नहीं, भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी। बरोबर देखते हैं सत्युग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई पाई कैसे। अभी तो है कलयुग, प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। यह है पंचायती राज्य। इसके बाद है सत्युग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण के आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया तब सूर्यवंशी राजाई पाई। फिर है चंद्रवंशी, वह तो राज्य की ट्रांसफर होती है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्म शास्त्र, जिससे तीन धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है, महिमा भी एक गीता की ही है, जिससे सबकी सद्गति होती है। तो सद्गति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नरक का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप ने समझाया है, पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा, वह है सबका बाप। फिर यह लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है, वह है विश्व के मालिक। उन्हों को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो है कलयुग, भारत कोड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को
स्वर्ग के राजाएं मिली है ना, ये भी तुम बच्चे जानते हो, गालियां तो खाना ही है। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वह जानते हैं कि यह प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वह है जो धारण कर फिर दूसरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो वहां सत्संगों आदि में 5-10 हजार लोग रोज जाते हैं, यहाँ तो इतने नहीं आते। भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी, उनसे यह कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए, बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, ये पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है। ऑल राउंड अंडरग्राउंड सेना एक नाम है, तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुमको कोई समझ न सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ कोई समझ न सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ न सके। बाप खुद कहते हैं यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं रहता। मैं जो यह ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ वो कोई की बुद्धि में नहीं है। यह बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, परंतु यह बातें थोड़ी बुद्धि में थी। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं। पवित्रता पर विघ्न भी पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल में, आगे भी पढ़ते थे। उन गीता पाठशालाओं में विघ्न की बात नहीं रहती। यहाँ तो तुम ब्रह्म कुमार कुमारी बनते हो। यह अक्षर तो गीता में भी नहीं है, ये भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य है, न कि सिर्फ भारतवासी, परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब हैं। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं। जानते हैं वह मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं है फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं, नहीं। अगर कोई भी मनुष्य न हो तो फिर मुख वंशावली भी पैदा हो न सके। न ब्रह्मा मुख वंशावली, न ब्रह्मा उख वंशावली हो न सके। सृष्टि तो सारी है, उनकी कलम लगाई जाती है। ये सब नई नई बातें समझने की हैं। किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है, कोई तो एक मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बैंगलोर के अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ था, जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नशा नहीं है, खुशी में डांस करता था। भगवान मिल गया, खुशी की बात है ना। भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से, फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। बाबा तो बहुत क्लियर समझाते हैं। मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम कह सकते हो आओ
तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाएं कि अगर कि अब फिर से कैसे सतयुग स्थापन हो रहा है। जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए, हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं। बाकी जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तो तुम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत लेक्चर्स होते हैं, परंतु वह इस धर्म के न होने के कारण इस तरफ खींचते नहीं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। ये तो जानते हैं भारत कितना कंगाल है, मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे तो सब सुनाते थे परंतु उसमें झोली भरने का प्रश्न नहीं। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है और जो टेप सुनेंगे व मुरली पढ़ेंगे व सुन रहे होंगे वह भी झोली भर रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सभी सुखी होंगे, परंतु भारत में कितने करोड़ हैं, इतने सब तो वहां नहीं होंगे। जो झोली भरते हैं राज्य भाग्य तो वही लेंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं कि कैसे होंगे। अरे लक्ष्मी नारायण को देखो ना, ये सतयुग के मालिक है ना, स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, और ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक, जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है। आगे वाला जन्म होगा संगम पर, संगम कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम युग पर ही दुनिया बदलती है, तो जरूर कलयुग और सतयुग के बीच यह ज्ञान दिया होगा, सो अब फिर से दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयुग सिखलाएंगे, तो तुम त्रिमूर्ति दिखाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे ना, जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े, वापस तो कोई जा ना सके। पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि बढ़े कैसे। जबकि सतयुग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती आदमशुमारी जरूर इन्हों की होनी चाहिए, फिर क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों, फिर लाखों वर्ष के भी कोई बात नहीं है। ये बातें समझेंगे वही जो अपने घराने के होंगे, औरों को तीर लगेगा नहीं, यह ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते हैं भले किसको भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाएं, होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर लगेगा। शास्त्रों में दिखाते हैं लड़ाई में यादव कौरव मारे गए, पांडव 5 थे, फिर हिमालय पर जाकर गल मरे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता, गाया भी जाता है जीव घाती महापापी, आत्मा का कभी घात नहीं होता, आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था वो जाकर पहाड़ों पर गल मरे, यह तो हो नहीं सकता।
अच्छा वे तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ गए? सेना तो दिखाई नहीं है। तुम बच्चे जानते हो विनाश कैसे होगा, तुम देखेंगे भी। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे, कभी लक्ष्मी को कभी नारायण को इनवाइट करते थे, कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे, हंगामे होंगे, तो तुम बच्चे आकर यहाँ इकट्ठे होंगे, इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहाँ आ जाए। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते? कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो, नहीं तो यह ब्रह्मा बाबा बैठा है, यह नहीं बता सकता तो बड़ा बाबा शिव बाबा बैठा है। ये तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते ही रहते हैं, कितनी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। अर्जुन टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा, परंतु पहले मूल बात यह जरूर लिखाना है, एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय है कि बरोबर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं। कहते हैं हमने तो ऐसे ही लिख दिया, जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है। बोलो भगवान वाच। भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं, वो ज्ञान का सागर सच्चित है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर साधारण तन का आधार लेंगे ना। तो पहले पहले बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मेरे पास चले आएंगे, और चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है, और बनाते भी देखो कितना मीठा है। सत्युग की निशानियां हैं वो फिर रिपीट जरूर होंगी, कलयुग की है, अभी तुम राजयुग सीख रहे हो, विनाश सामने खड़ा है और क्या सबूत देवे। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए साथ, पहली बात बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सपूत बच्चा बनकर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए वह सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए, निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी। तो यह ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हों, सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म में चेक करो कि
तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र अर्थात देह को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए, बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं, साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, यही परमात्म प्यार है। इसी प्यार में समाये रहो। ओम शांति।